माँ बहुत डिस्टर्ब थी एक जगह से, क्योंकि और बिकॉज ऑफ दिस मैं भी उनसे मिल नहीं पा रहा था, बिकॉज वो बिकॉज ऑफ ये कोविड और कोरोना वायरस की वजह से मैं भी उनके पास नहीं जा पा रहा था, तो मैं बाहर जा रहा था इंजेक्शन के टाइम पे, तो वो भी बहुत ऑकवर्ड थी, बहुत परेशान थी बेचारे, क्योंकि उसी दिन वो दिल्ली से आए थे। वो भी अभी आज तक भी बार बार मुझसे पूछते, वो जब मैंने सबसे पहला ट्रेलर जब काटा था, तो मैंने ट्रेलर जब वो आई यहाँ पर, तो मैंने उनको वो ट्रेलर 2 दिन बाद दिखाया, क्योंकि उसकी 2-3 दिन तक तो जब ट्रेलर देखा तो वो बहुत रोती है, मतलब आज भी रो पड़ती है, मेरी बहन भी रो पड़ती है। किसी दोस्त से और मित्र से माँ मिलती है और उसको खाना खिलाती है, तो उसका एक अलग जुड़ाव हो जाता है, पारिवारिक जुड़ाव। तो मेरी माँ भी बहुत डिस्टर्ब थी, मेरी माँ बहुत डिस्टर्ब थी एक जगह से, क्योंकि और बिकॉज ऑफ दिस मैं भी उनसे मिल नहीं पा रहा था, बिकॉज वो बिकॉज ऑफ ये कोविड और कोरोना वायरस की वजह से मैं भी उनके पास नहीं जा पा रहा था, बिकॉज मैं बाहर जा रहा था इंजेक्शन के टाइम पे, तो वो भी बहुत ऑकवर्ड थी, बहुत परेशान थी बेचारे, क्योंकि उसी दिन वो दिल्ली से आए थे। वो भी अभी आज तक भी बार बार मुझसे पूछते, वो जब मैंने सबसे पहला ट्रेलर जब काटा था, तो मैंने ट्रेलर जब वो आई यहाँ पर, तो मैंने उनको वो ट्रेलर 2 दिन बाद दिखाया, क्योंकि उसकी 2-3 दिन तक तो जब ट्रेलर देखा तो वो बहुत रो पड़ी, मतलब आज भी रो पड़ती है, मेरी बहन भी रो पड़ती है। तो आई थिंक वो सब सब थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा इंडिया पूरी कंट्री अफेक्टेड है, तो इमेजिन जिनके साथ उसने बहुत गुजारा है वो सब कितने अफेक्टेड है, इमेजिन उसकी फैमिली जो उसकी 4 बहनें हैं, जीजा जी, उसके फादर, उसके साथ जो भी क्लोज वहाँ के भी जो दोस्त हैं, वो सब कितने कैसे इस चीज़ को ले रहे होंगे, कैसे डील कर रहे होंगे, वो ही बता सकते हैं। मेरी माँ तो बहुत बहुत बार बार पूछती थी, अरे अभी तो पराठे अभी डबिंग पे भी तो पराठे भेजे थे, वो सब तो कर ही रहे थे, सब तो डिस्कस करती रहती थी। माओं का जो होता है उसके लिए बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बच्चा बच्चा होता है, और जब किसी एक बेटे के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो माँ की चिंता दूसरे बेटे पर बहुत ज्यादा असर करती है। क्या आपकी माँ भी आपको फोन करके आपके मन की बात जानने की कोशिश करती है कि मेरा बेटा नहीं, ठीक नहीं, है? बहुत, नहीं नहीं, मेरी मम्मी बार बार मेरे साथ ही रहती है ना, मेरे माँ बाप मेरे साथ ही रहते, तो बार बार हर आधे घंटे एक घंटे पर मुझसे आके पूछते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा था, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं किसी का फोन नहीं उठा रहा था, तो मैं अब जाके मैंने थोड़ा बातचीत करना शुरू किया और लोगों से बात करना शुरू किया, तो आई थिंक वो भी ये सब देख रहे थे, क्योंकि किसी भी माँ को उसका बेटा चुप और उदास अच्छा नहीं लगता है, तो आई थिंक उनका भी वही सेम कंसर्न था कि ठीक है, तो सब है, तो सब